बादशाह भाई आपको इतना डिमोटिवेट नहीं होना कि आप समझ रहे हो ना, कुछ गलत स्टेप, कुछ गलत स्टेप ले रहे हो, मैं तो आपके साथ हूँ। ये भी वही है, इंस्टाग्राम कमेंट्स में नहीं होते। तो क्या चले दोस्तों, कैसे हो तुम लोग? ऑल गुड? देखो सुनो, ऑल गुड तो देखो बोलने की आदत लग गई है, कभी कभी सच में बता दिया करो भाई, तुम्हारे जीवन में कुछ दिक्कत चल रही हो तो यार जितना महसूस हो गया उतना करेंगे हम, है ना? वी आर लाइक फैमिली गाइस। और भाई पीछे करने की जगह नहीं है, तुम देखो मैंने यहाँ पे गाड़ी लगा रखी है, ये हट रहा है, आगे भी स्पेस बहुत कम है पर निकल जाएगी। यू गाइस नो आई एम प्रोफेशनल ड्राइवर। चलो हम कहाँ जा रहे हैं? देखो बेसिकली मेरा प्लान था कि मैं सुबह सुबह ही निकल जाऊँगा, पर मैं नहीं निकल रहा, इसके पीछे रीज़न है तो बताएंगे अच्छे से। पर अभी यार मेरा एक शूट है, ठीक है, एक गाड़ी है जिसका शूट बहुत टाइम से रह रहा था, एंड अपना वैसे तो प्लान था कि यार नोएडा जाके शूट करेंगे, पर यार जो भाई है वो जिनकी गाड़ी है ना बेसिकली वो ग्रेटर क्लास का ही है, तो उसने जो लोकेशन भेजी है वो जो रात का नया फ्लैट है इधर से बहुत पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो मैं सोचा चलो यार शूट करके अपना वापस आते हैं एंड तुम्हें दिखाते हैं गाड़ी कौन सी क्या सीन है। तुम जानते हो देखो मास्टर बटर चैनल जो है ना ये 2.0, इसमें तुम्हें जो मैं शूट करता हूँ म्यूजिकल चैनल के लिए पहले से ही तुम्हें अपडेट्स मिल जाती है, ठीक है? तो ये खास बात है इस चैनल की। ये जो आगे गाड़ी जा रही है इसका शूट है, एंड है तो इलोरा पर भाई स्टेज वन ट्यून्ड, एंड मैं देख पा रहा हूँ वीआरएस की बैजिंग। मुझे यार लिटरली स्कोडा ब्रांड के बारे में ना थोड़ा कम पता है, मुझे पता नहीं है कि इलोरा में भी वीआरएस आता है। मैंने ऑक्टेविया का वीआरएस मैंने शूट किया था, प्रथम शौकीन भाई की जो गाड़ी है। तो अभी हमने गाड़ी का शूट पूरा कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, एंड जो अपना भाई है अथर्व, टॉक्ड, टॉक्ड कैसे हो? बढ़िया भाई। पहले तो मुझे ये बताओ ये टॉक्ड कैसे मतलब नाम है, ये मैंने पूछा नहीं अपने एपिसोड पे। टॉर्क था तो टॉर्क गाड़ी से रिलेटेड टॉक्ड कर दिया उसको मैंने। टॉक्ड क्या होता है? टॉर्क बेसिकली गाड़ी की पुलिंग पावर। हाँ, और टॉक्ड? टॉक्ड मेरा नाम हो गया। ये भी ठीक है। अच्छा मैंने सुना तुम एमिटी से हो। हाँ हाँ, कैसा कैसे चल रहा है एमिटी में? एमिटी ठीक है, सही है, वही अटेंडेंस के जो सोचते हैं बहुत बहुत है। और कौन सा ईयर है? मेरा फिफ्थ ईयर हो गया, फिफ्थ ईयर सेकंड ईयर हो गया ना। अच्छा मतलब तुमने बैचलर्स कर लिया, मास्टर्स अपना चल रहा है और एमिटी से ही चल रहा है? हाँ। इतने साल से एमिटी में तुम? फर्स्ट ईयर कौन सा ईयर था तुम्हारा? 2019। मैं 18 में वहाँ से शायद, हाँ मतलब मेरा तो चलो अलग ही मैटर था, पर भाई ये लोग सच में अटेंडेंस पे बहुत करते हैं यार। मैं एक तो आ नहीं पाता था, मेरी ईयर बैग को लगी, इन्होंने सेकंड ईयर में दो बैग और मार दी, जिस वजह मतलब ऑफ कोर्स तो ईयर बैग तब लगी। हाँ, हाँ। अपनी क्या बोलते हैं उसे, बैग हो गई जब ये वो अटेंडेंस शॉर्ट होती है, डी बार, तीन में शायद मैं डी बार था, दो में इन्होंने वो मारी तो ईयर बैग हो गई। बट चलो तुम बच्चों, तुम 5 साल से एमिटी झेल रहे हो यार, मैं तो ये सोच रहा हूँ। 2 साल कोविड में निकल के 2.5 साल तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। कैसा लग रहा है एमिटी, जैसे मैं जानना चाहता हूँ ठीक है, क्या सबको पता ही है कैसा है एमिटी? कैसा है नहीं कि किसी को नहीं पता, किसी को कैसा नहीं पता, ठीक ठीक ठाक है भाई, पढ़ाई लिखाई होती नहीं है, अटेंडेंस के लिए बिठा के रखते हैं और खाना पीना ठीक मिल जाता है लेकिन वेज मिलता है। अच्छा किसी को अगर कोई नया बंदा है जिसको एमिटी में एडमिशन लेना है तो उसके लिए कुछ 3 अच्छी बातें और कुछ 3 ध्यान रखने वाली बातें। 3 अच्छी बातें, पहली पार्किंग है। हाँ ओखला बहुत पास में ही है, ठीक है। पहला ये हो गया कम्यूट, दूसरा कम्यूट हो गया, ठीक है, तीसरा अच्छा पॉइंट, तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है बाकी कॉलेजेस में से देखो, और दिल्ली एनसीआर में प्राइवेट यूनिवर्सिटी है नहीं। मानव रचना तो मेरे 10,000 रुपए खा के बैठे हुए भाई, मेरे अच्छा। कुछ फीस थी रजिस्ट्रेशन आज तक दी उन्होंने, छोड़ो। हाँ, तीन थोड़ी वैसे पॉइंट कि हाँ ध्यान रखो इस चीज़ से, मतलब खाना, लड़ाई झगड़ा तो बहुत होता है आज MBA और लॉ डिपार्टमेंट में, अगर आप आसपास भी जा रहे हो तो लड़ाई झगड़ा ही होगा वहाँ पे। यार तुम तो बड़े अलग इंसान लग रहे हो मुझे, तुम वो भूल गए अपना फिजिकल एजुकेशन स्टूडेंट्स जो पीटी, यार वो तो सबसे ज्यादा बड़े बदमाश होते हैं यार, वो भी ऐसे ही है, उनसे मिलना नहीं होता ना इतना, मैं तो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में बैठे रहता हूँ आराम से। अच्छा, वहाँ पे सिर्फ लड़कियाँ ही हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, सब आराम से बैठे रहते हैं। और कुछ पॉइंट बताओ जो थोड़ा ध्यान रखना है एमिटी जाते वक्त और न्यू स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बहुत लोग एमिटी ना चाहते हुए भी चले जाते हैं, कभी सोचा नहीं था किसी ने कोई एमिटी जाएगा, ये सारे ऐसे ही जाते हैं, सारे ऐसे ही जाते हैं, मेरा भी कुछ और प्लान था चला गया एमिटी, लास्ट ऑप्शन होता है एमिटी का, तो सारे यही सोचते हैं, दूसरों को जज करते हैं, खुद भी उसी रीजन से होते हैं, यही होता है भाई यही होता। और एमिटी की आज लोग सोशल मीडिया पे इतनी तो खिल्ली उड़ाते हैं, मैं तो बोलता हूँ बहुत अच्छा, थोड़ा थोड़ा उड़ानी भी चाहिए, लायक है वो इस चीज़ के, ठीक है। हाँ, और कुछ थोड़ा सा और अच्छी चीज़ें बता देता हूँ, लड़कियों से दूर रहना है क्या वहाँ पे? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, ऐसा नहीं है नहीं। अच्छा, और जो अपना क्या बोलते हैं एस से क्या होता है, वो जो वाइट ड्रेस पहनते हैं, वाइट टी शर्ट पहनते हैं, एस से होता है ना कुछ वो स्पोर्ट्स रिलेटेड, संगठन संगठन उसमें पार्ट ले रहे हो? संगठन, हाँ क्रिकेट खेलता हूँ मैं। अच्छा क्रिकेट अपना, हाँ
चलो मतलब ऑल ऑल मजा आ रहा है ना, ठीक है कॉलेज, हाँ बुरा नहीं है। कुछ कुछ चुगली है मीटिंग में, टाइटल डाल दूँ चुगलियाँ वहाँ पे लाइब्रेरी में, आजकल हरकतें हो रही हैं काफी। अच्छा वैसे वाली, हाँ वैसे वाली। तो मतलब ये एमिटी को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, एमिटी को ध्यान देना चाहिए कि ये मैं टाइटल ला सकता हूँ मतलब, हाँ, लाइब्रेरी में थोड़ा ध्यान रखे, कैमरा वैमरा लगाए तो, मतलब देखे तो तुम लाइब्रेरी में कुछ नहीं करते है ना, मैं लाइब्रेरी जाता ही नहीं हूं। अच्छा इसीलिए ये बात तुम बोल रहे हो ना, कोई करने वाला तो वो नहीं बोलता ये बात। ये देख रहे हो यहाँ पे जो पूरी बीट गिर रखी है, ये देखो ये नुकसान होता है यार पेड़ गंजे खड़ी करने का ना। एंड मुझे पापा का फोन भी आ रहा था, एक बार उनसे बात करूँ। पापा मुझे फोन पता क्या बोल रहे, मेरा वो रिलेटिव आया ना आयुष, तो मुझे कह रहे कि भाई वो फरीदाबाद का ही है ये आयुष, ओमनी ले आया है तुम्हारी। मैं क्या बोल रहा हूँ पापा, ओमनी ले आया, क्योंकि पापा थोड़ा सा हंसी मजाक कर रहे हैं, थोड़ा पहले से सही है मतलब इस चीज़ में तो, लेकिन थोड़ा दोस्तों ना दिक्कत दिक्कत होती है, लेकिन हाँ मज़ा आया सुन के। अभी पापा को दोबारा कॉल बैक करूँगा। पापा वो ओमनी जो है ना उसको बोलना कि यार उसमें ज़्यादा छेड़छाड़ ना करे, वरना उसमें ना कैमरा लगा रखा है। तो पता क्या कर रहा है आयुष मेरा भाई है, वो अपना जो इन्वॉल्व के प्रोडक्ट्स नहीं आते, मुझे मैसेज कर रहा है कि भाई मैं उसमें से दो डब्बे मैंने मार लिए हैं, मैं उसको लेके जा रहा हूँ, फिर पिछले बार मैंने जो मेरे पास हो जाते हैं यूज मैं कर लेता हूँ प्रमोशन में, मैं उसको दे दिया था मैंने। तो उसने मना किया नहीं, ये इन्वॉल्व वाले पूरे ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं, क्योंकि उन्होंने नए प्रोडक्ट भेजे ना। मैं चलो ठीक है, आयुष भाई के सामने कोई कुछ क्या नहीं बोल सकता, व्हाट डज इट मीन भाई। मैं तो बोलता हूँ हनी सिंह के सामने कोई कुछ बोल सकता है क्या, बादशाह बोल सकता है हनी सिंह के सामने? ओ भाई इंस्टाग्राम कमेंट तेरे को खा जाएगा, इंस्टाग्राम कमेंट बोल रहा हूँ, यूट्यूब कमेंट। आजा भाई मैं तो वायरल हो जाऊंगा मेरे। अच्छा तेरे हिसाब से, तू मुझे बता रहा था कि ये सारा पीआर चल रहा है अभी है, ये जरा एक जैसे तू पीआर प्रोफेशनल है, मीम मार्केटिंग? कोई मीम मार्केटिंग नहीं है, मैं ना अपने व्लॉग में अक्सर बोलता हूँ ये मीम पेजेस वाले ना बहुत ज्यादा तेज है, पहले खुद डालते उस बंदे की तारीफ, फिर जब जहाँ पैसा मिल जाता है वहां उस बंदे की नेगेटिव पीआर चालू हो जाते हैं। मीम मार्केटिंग में भी तो पीआर आता है यार, क्यों नहीं आता? या मीम मार्केटिंग पूरी अलग चीज है, जैसे मैं पीआर प्रोफेशनल है ना अपना भाई, हाँ पीआर प्रोफेशनल यार, मुझे जानना है ये मीम मार्केटिंग और पीआर अलग चीज है। मैंने अगर पीआर में ही, अच्छा मतलब तू ये बोल रहा है मीम फिर इसको मुझे पैसा देना ही पड़ेगा, वो पीआर में नहीं आएगा। पीआर का एक टूल, छोटा सा टूल मीम मार्केटिंग हो गया, बट पीआर और मीम मार्केटिंग दमिनासन का फर्क है। मीम मार्केटिंग में बंदे क्या कर रहे हैं आजकल, जिनके मीम पेजेस हैं वगैरह वगैरह, वो क्या कर रहे हैं कि वायरल जो भी करंट इश्यूज है, चाहे वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में है या फिर सोशल इश्यूज है पॉलिटिक्स में चल गया, तो वो क्या कर रहे हैं उनका मीम बना के उनकी उनको मार्केट कर रहे हैं और लोगों का रिएक्शन देख रहे हैं क्या हो रहा है। और लोगों का रिएक्शन तेरे को पता है दो तरफ जा रहा है, एक पॉजिटिव तरफ एक नेगेटिव तरफ। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली एक एग्जांपल दूं हनी सिंह और बादशाह का, जब बादशाह ने उसको बोला हनी सिंह को कि उसका डाउनफॉल आ रहा है, तो उनको एक टॉपिक मिल गया कि उसने ऐसा बोला अब इसकी बारी है, तो कहीं ना कहीं यहां से उसको भी फेम मिल रहा है बादशाह को। ऐसा नहीं है, ये देख पीआर दो टाइप की होती है, एक जो नेचुरल होती है जो ऑडियंस खुद करती है, जस्ट फॉर द व्यूज और जस्ट फॉर द फेवरेट आर्टिस्ट, ठीक है। एक होती है जो करवाई जाती है जो पेजेस को पैसा देके कि हाँ या तो तुम एडिट कर रहे हो पीआर वाले या तो वो लोग एडिट कर रहे हो, तुम उनको पैकेज, और मैं बता रहा हूँ उनका रेट बहुत सस्ता होता है। लोग क्या सोचते हैं एक एक रील जो बनाई जाती है ना पॉजिटिव पीआर है, कुछ भी पीआर बोल ले, मैंने सुना है 150-150, 200-200 रुपए के लिए रील डाल देते हैं वो लोग, ये बात सही है? पर हनी सिंह को बादशाह कैसे, तुझे पक्का पता है कि मीम मार्केटिंग हो रही है या नेचुरल भी सकता है, हनी सिंह की फैन फॉलोइंग भी है, ये जानना है मुझे एज अ पीआर प्रोफेशनल। हनी सिंह के बारे में लोग कब से बोल रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, बेइज्जती भी कर रहे हैं, बेइज्जती भी कर रहे थे, नो डाउट, अब पूरी तारीफ हो गई है। अब वो क्यों आ रहा है, क्योंकि वो खुद अपने आप को ला रहा है ना, वो क्योंकि वो खुद ला रहा है अपने आप को मार्केट कर रहा है वो खुद से। तुझे लगता है कि कुल्ले कुल्ले की मार्केटिंग बढ़िया हुई है, कुल्ले कुल्ले गाना बहुत बढ़िया, नो डाउट सबको पसंद आ रहा है, मार्केटिंग अच्छी हो रही है, मार्केटिंग हो रही है, गाने तो वो कब से बना रहा है भाई, किसको पता है हनी सिंह गाने बना, मुझे लग रहा है कुल्ले कुल्ले उसको पता था कि कुल्ले कुल्ले गाना सबको पसंद आएगा, और क्यों ना इसकी ढंग से मार्केटिंग हो जाए। और बादशाह की वो, क्योंकि बादशाह यार गलती भी तो कर रहा था ना, पोक करके, पोक नहीं करता ना अगर तो सब कुछ सही था यार, करके गलती कर गया अगर, ठीक है सही बोल रहा है, बट बादशाह को भी अगर थोड़ा बहुत फेम चाहिए, लाइमलाइट चाहिए, तो उसने बोल दिया। और बंदे आजकल बहुत सोच समझ के बोल रहे हैं यार, इट्स जस्ट अ गेम दो बंदों के बीच में। और मैं तुम्हें एक चीज बोलता हूँ यार, देखो मेरे लिए दोनों बहुत बेहतरीन आर्टिस्ट भाई, बट बादशाह को लोग अभी बहुत ज्यादा वैसे बोल रहे हैं, बट बादशाह और हनी सिंह अगर कंपेयर करा जाए ना, तो हनी सिंह के जूते के बराबर नहीं है बादशाह यार। देखो ये है, पर मैं पता कैसा इंसान हूँ, मैं बोलूँ ना कि जिसको बहुत दबाया जा रहा, मेरे अंदर से मन करता है बींग मेरा अच्छा इंसान है यार, इतना भी मत बोलो, मतलब बुरा लगता है। हनी सिंह ने, मैं वैसा सोचूं इसलिए तुम लोगों को बोल रहा हूं, हनी सिंह करके बैठ चुका है भाई, ये जो बादशाह वगैरह रफ्तार वगैरह भी कर, इसने गलती कर दी ना, तो ये चीज भाई वो गुरु है यार, वो पोक नहीं करता ना, मुझे लगता है फिर भी ठीक था वो, बंदा अगर शांत है डजंट मीन उसका डाउनफॉल चल रहा है, अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर रहा वो मार्केट में। पर बादशाह भी गलत आर्टिस्ट नहीं है, मतलब ठीक है, पर उसने गलती क्या है बादशाह में,
बादशाह का एक गाना जो मुझे पसंद आया, दो गाने बता चल भाई। बादशाह ने ना ऑलमोस्ट कमर्शियल गाने बनाए हैं। बादशाह इज नॉट अ रैपर। 3 AM सेशन नहीं, बादशाह रैपर बहुत अच्छा है। ही इज अ गुड रीडर। उसकी 3 AM सेशन एल्बम मुझे बहुत पसंद आई थी। उसमें गाने इंटरस्टेलर था उस गाने का नाम मुझे लग रहा है। और रफ्तार बादशाह का भी, रफ्तार के एल्बम में जो गाना आया राशा, उसमें वर्स कुत्ती फरम वाली जो कृष्ण और बादशाह का जो आया था, एक ही टोन रहती है उसकी। हां तो वो ठीक है। आज अभी तुझे मैं ये दिखा दूं बादशाह भाई, आपको इतना डिमोटेट नहीं होना कि आप समझ रहे हो ना, कुछ गलत स्टेप ले रहे हो। मैं तो आपके साथ हूँ। ये भी वही है, इंस्टाग्राम कमेंट्स में नहीं होते बादशाह हनी सिंह टी शर्ट याद है, कला स्टार। अच्छा कला स्टार का बेटा भाई, कला स्टार का बेटा, पता है कला स्टार, हनी सिंह का जो आ रहा है ना। चलो ठीक है, बाकी अभी हमने काफी कोल्ड कॉफी वगैरह और मैं कुछ हाफ फ्राई भी ले गया, हमने नाश्ता वाश्ता सब कर लिया है। बढ़िया नोटी हो रहा क्या बैन कर लो। हाँ भाई कैसा लग रहा हूँ मैं, इंसान लग रहा है, क्या खा रहा भाई मैं? आप क्या तो जो आ रजनीकंदा वाला दांत पर दिखाएगा तेरी आ, मैं स्क्रीनशॉट लेके ना उसमें एडिटिंग कर दूंगा तेरी। अब तो लोग मुझे बोलते हैं छोटे बाल में लगता हूँ मैं, आप नहीं आ रहे, मैं आ रहा हूँ, ठीक है सही है। तुम लोगों की बहुत डिमांड थी कि छोटे बाल में लुक आना चाहिए दोबारा। अभी मैं थोड़ा सा यार नर्वस हो रहा हूँ सबके सामने ब्लॉगिंग करके ना, मेरे अंदर वो शक्तियाँ कम हो गई है ऐसा लग रहा है। अच्छा वो तो तू है इसलिए सबके सामने कैमरा उठा पाया, अब बोली बात नहीं रही यार। मास्टर बटर में ना ओल्ड मास्टर बटर बैग चाहिए लोगों को। अब बूढ़ा हो गया मास्टर बटर, बूढ़ा तो हो ही गया यार, लेकिन अब थोड़ा जवान हो रहा है। अब जवान हो रहा है क्या, जवान लुक आ गया ना बेटे, कैसा लग रहा है हेयर स्टाइल अपना? ये देखो भाई यहाँ पे ये इस्कॉन है एंड प्रेस करने आया था भाई के लिए, भाई कल ज्वाइन है ना ऑफिस की। अरे भाई रावत, भाई लिफ्ट लिया क्या हमने? कैब से भी हमने लिफ्ट मांगी भाई। भाई वो तो भैया है अपने, बढ़िया भैया, नाम क्या आपका? मोहसिन भाई अपने, बहुत बढ़िया आदमी है भाई। जब भी तुम कभी कैलाश कॉलोनी साइड आओगे मोहसिन भाई अगर तुम्हें मिले, ठीक है, वो तुम्हें पहचानना है मोहसिन भाई को ना, मोहसिन भाई गाड़ी को हम भी नहीं बताएंगे, तो उनसे तुम लिफ्ट मांग सकते हो। रॉबर्ट्स में एडिटिंग करूँ, एक फ़ायदा है रावत के जो ये फ्लैट है ना मैंशन में, गाइस मैंशन वाईफाई है, ठीक है, तो बढ़िया स्पीड आती है, तो फटाफट से एडिटिंग करके अपलोड करता हूँ तुम लोगों के लिए व्लॉग। एंड घर मैंने बात कर ली थी, बढ़िया यार, मम्मी को मैंने पता क्या बोला फ़ोन करती है कि मम्मी फ्लैट ले लिया मैंने, वापस नहीं आऊँगा घर पे। मम्मी भी तुम जानते हो थोड़ा हंसी मजाक चलता है ही, मता मुझे पता है, ठीक है, तू यही मौका ढूंढ रहा था ना, मैं हाँ तो ठीक है, मेरे को बता दे कि मैं कल आऊँगा, ठीक है, क्योंकि जैसे मैं तुम लोगों को बताया ना कल फरीदाबाद का शूट है, फरीदाबाद के शूट में यार कल सीन कुछ ऐसा है कि जो अपने हैदराबाद भाई नहीं है गुरु जी हमारे, गुरु जी सर, तो वो भी आएंगे, उनको भी ओमनी का शूट करना है, उनकी एक्स्टर का शूट मुझे करना है, तो कल का प्लान तो ज़बरदस्त है, ठीक है, लेकिन फटाफट से पहले काम करते हैं। एंड बताना हेयर कट कैसा लग रहा है, अगर तुम्हें दिखाऊँ मैं, सही है, वाइट बाल थोड़े ना ज़्यादा हो रहे हैं यार। एंड उधर मैंने जब पूछा उससे कि भाई ब्लैक कलर कर दो यार, मतलब बोलते हो जाएगा सर, लेकिन 400 रुपये लगेंगे। मैंने बोला 400 रुपये छोड़ो, मम्मी से गा लेंगे फ्री में, सबसे बेस्ट। यार हम ना फिर खाना वाना खा के सो गए थे एंड अभी 12 बज रहे बेसिकली, घड़ी भी नहीं सामने यार, 12:30 ग्राउंड हो रहा होगा, ठीक है, तो मुझे अभी एडिटिंग करनी है एंड अपलोड करूँगा मैं यार मेरी गर्ल्स पे एपिसोड है। सबसे मेन कल रात यार मतलब अपने वो कुछ हॉरर एक्सपीरियंस सा फील हुआ यार, मतलब कुछ तो था, तो मैं तुमसे नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगा, तुम देखना। बाकी चलो तुमसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, लाइक सब्सक्राइब शेयर थ्रेटमेंट्स गैंग को डबल जो, तुमसे मिलते हैं अगली व्लॉग में अगली वीडियो में। एंड सबसे मेन क्या बोलती मास्टर भ्राता की, मास्टर दादा की बोले तो फुल गलत, मैं मास्टर बोलता हूँ आपसे अगली वीडियो तक के लिए, गुड बाय, साइनिंग आउट।